हाँ जी बोलिए। यूनिट वन का पीडीएफ नोट्स रिवीजन वाला और जो कल मैंने सेट किया है, दोनों कंप्लीट हो गया है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके जी ठीक सर। है। देखो क्योंकि अभी हमारे पास समय ज़्यादा है नहीं, डेली हम लोग एक यूनिट करेंगे और यूनिट एक करेंगे, 10 यूनिट कंप्लीट करना है तो हमारे एग्जाम का टाइम आ जाएगा। तो आप जो आपको पढ़ाया जाए या जो नोट्स दिए गए हैं या जिस यूनिट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको आपको उसी दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। एनी हाउ अभी आप छुट्टी ले सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं 2 4 5 दिन की, क्योंकि अभी एग्जाम है और एग्जाम के टाइम पे आप लोग थोड़ा मैनेज करना होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों पेपर के लिए, पेपर वन पेपर टू। तो प्लीज जो कुछ पढ़ाया जाए या फिर जो पीडीएफ नोट्स आपके पास है जो शेयर किया हुआ है क्लास के अंदर रिविजन वाला, और जो डेली मैं शेयर करता हूँ जो क्लास में डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ, उन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे तो मिस मत करना किसी भी रूप में, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए सब इसमें कवर किया गया है। कुछ टॉपिक आपको रिवीजन जो पीडीएफ है, रिवीजन पीडीएफ उसमें मिल जाएंगे, कुछ नए टॉपिक भी होंगे जो कि इसमें कवर रहेंगे। तो ओवरऑल आपको अगर दोनों कवर कर लेंगे, पीडीएफ रिवीजन पीडीएफ और प्लस ये जो पीडीएफ आज क्लास में लाइव क्लास की पीडीएफ, दोनों आपको पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। सर ज़्यादा से ज़्यादा सही कैसे करें, उसके लिए तो आपने पढ़ा होगा ना, तभी सही होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही होंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सही होने का तो एक ही तरीका है ना, कि आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वही ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं, और कम से कम टाइम में, टाइम भी कम लगेगा और करेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर जितनी आप स्टडी करेंगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी चीज़ें आप अभी समय है, आप अभी फोकस कर सकते हैं। सर अभी पीवाईक्यू लगाएं कि मॉक्स? आपने पहले पीवाईक्यू नहीं लगाए क्या? पीवाईक्यू तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं इतने दिनों से, हर एक यूनिट वाइज पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, तो पीवाईक्यू दोबारा नहीं लगाना है आपको। आपने जो सबमिट किया होगा मॉक टेस्ट उसमें से दोबारा आप देखेंगे जो गलत हुए हैं ना, जो इनकरेक्ट है उन्हीं को फोकस करिए, इनकरेक्ट को दोबारा से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ दोबारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, जो सही हो गए थे पहले वो सही हो जाएंगे दोबारा, 60% करेक्ट हो जाते हैं आप दोबारा रिपीट करेंगे, तो जो 30% 40% रह जाते हैं उन्हीं को आपको रिपीट करना होता है, चाहे मॉक टेस्ट हो या पीवाईक्यू हो, कोई भी टेस्ट हो, सब कुछ क्वेश्चन दोबारा नहीं लगा पाते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 30 40% इजी क्वेश्चन होते हैं, वो वैसे भी आ जाते हैं, ठीक है। आपको बाकी जो रिमेनिंग उन पर फोकस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी मेंशन की है स्पेसिफिकली, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो पहले से, हम लोग दोबारा उसको रिपीट करेंगे ताकि अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फर्दर हम लोग और जो पीडीएफ है यूनिट सेकेंड वाला जो दिया हुआ कंपाइलेशन है ना, यूनिट 1 से 5 तक का, उसमें भी कुछ मिल जाएगा शॉर्ट्स में, यहाँ पर कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है यूनिट सेकेंड के अंदर वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये थ्योरी है या बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रेमवर्क है ये सिगमंड फ्राइड का। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सभी के सभी इसी का हिस्सा है, और एक बोल सकते हैं ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। और ये जो थ्योरी है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी, इसके माध्यम से लोगों के ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एक फ्रेमवर्क से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से पर्सनैलिटी विकसित होती है, पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है उसको अगर समझना है, अंडरस्टैंड करना है, या फिर किसी प्रकार के मेंटल प्रोसेस को समझना है, कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड को समझना है, अंडरस्टैंड करना है किस प्रकार के लोग फीलिंग्स थॉट्स या बिहेवियर उनका है उसको अंडरस्टैंड करना है, तो हम जनरली साइकोलॉजिकल थ्योरी का यूज करते हैं जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर को या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को या फिर मेंटल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, ओके। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल थ्योरी के जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, माइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोल सकते हैं मन की जो संरचना है वो आपकी 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, एग्जाम में कभी भी प्री लिखा होता है कहीं सब लिखा होता है, दोनों एक ही बात है। थोड़ा जूम कम कर लीजिए, जूम हो रहा है,
स्क्रीन जूम हो रहा है क्या? तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका अचेतक मन, इसको बोलते हैं अर्धचेतक मन। पहला होता है कॉन्शियस, मतलब सचेतन, जो चीज आपको पता है, याद है, समझ में आ रहा है, फीलिंग, थॉट्स, जो सभी चीजें, परसेप्शन।